कुंदरी को तुम्हारा ऐसे तो तुम कभी पत्ता गोभी नहीं काटी हो चाउमीन के लिए, कुंदरी ऐसे कहे काट रही है, हाय गाइस, जल जाएगा। गुड मॉर्निंग, गर्मी के साथ आप लोगों को भी किचन में झुलसते हुए सुब सुब गर्मी का स्वागत करते हुए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और सुबह का 8:30 बज रहा है और मेरे को निकलना है ऑफिस। और यहाँ पे क्या कर रही है तुम? फिर से घर बना रही है, घर द्वार। देखो गाइस, तो अभी किचन में घुसते पूरा मुंह लाल, इतना गर्मी है ना यार, पूछो मत। और गला भी पकड़ लिया है। और इधर सौरभ भी फटाफट काम करने में लगे हुए हैं। काटी है भाई आज। देखो मतलब एक ही घर में दो फोन से ब्लॉग बन रहा है, ये कौन सा स्टाइल है बनाने का? देखो इधर इनके पास। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। इधर फोन अभी जा रहे हैं, अभी हम जा रहे नहाने ऑफिस के लिए। इतना लेट हो जाएगा ना? लेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी में से स्मेल आ रहा है क्या? हाँ, आज पता है क्या बना रहे हैं? आज कुछ अलग ही दाल बना रहे हैं, मतलब पालक के साथ पप्पू दाल। पप्पू, किस किस को पता है पप्पू दाल? जरा कमेंट करके बताना। तो राहुल गांधी दाल नहीं है, याद रखना। तुम सही में ऐसा बेइज्जती करके रखा है सब राहुल गांधी का, मतलब मंदिर साफ क्या? जल्दी से मतलब 9 बजने वाला है इसीलिए। मतलब देखो ये कोई तरीका है भगवान को साफ करने, मतलब भगवान को साफ नहीं, मतलब मंदिर साफ करने में कह रहे लीपा पोती कर दिए हैं, बस हो गया। अरे लीपा पोती मेरे को भगवान जी से ही थोड़ी ना, बस टाइम देखते रहो। हाँ नहीं, वो ठीक है, तो थोड़ा बहुत साफ सुथरा कर दीजिए, बस वो बोले थे। लेट हो रहा है ना, सुबह पूजा हो जाता है तो सही रहता है ना। और ये लड़की तो अपना काम करने में लगी है सुबह सुबह। सबसे बड़ा काम इसको नहीं, सबसे बड़ा काम इसी को है लाइफ में, मतलब इतना बिजी रहती है ना कि पूछो मत। पूरा दुनिया बिजी है, आन्या एक अलग लेवल से बिजी है ना। धूप हो रहा है ना गाइस, देखो कड़ी पत्ता मेरा कैसा सूख के ना, मतलब नीचे लटक गया। इसमें अभी जा रहे पानी भी डालेंगे, सोचे तरह तोड़ ले दाल में तड़का लगाने के लिए। और देखो हवा भी चल रहा है आज बहुत तेज, पर ठंडक नहीं है हवा में, गर्म हवा चल रही है। बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत गर्मी। एक्चुअली ना इसमें कच्चा आम भी डाला है तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, पालक भी। एक्चुअली इसमें कंगूरा करके एक साग आता है तो वो डालते हैं, हमारे पास तो है नहीं तो हमने पालक डाल के थोड़ा कच्चा। आप भी ट्राई करना दोस्तों, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही यम्मी लगता है। सिंपी, अच्छा सुनो, थोड़ा जल्दी करो यार, 9:20 हो रहा है। ओके चलो ब्रेकफास्ट कर लें। हेलो गाइस, चूड़ा दही बोलो। ब्रेकफास्ट इज गुड बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ कीवीज। यस, ओके। आई थिंक चूड़ा दही से बेहतरीन ब्रेकफास्ट गर्मी में ना कुछ नहीं है, बस सीरियल वेरियल सब छोड़ो, चूड़ा या पोहा पानी में भिगा के ऐड कर, ऐड जैगरी एंड जस्ट ईट इट। आई लाइक इट दिस वन, शुड बी दही चूड़ा इज बेटर। हां, सीरियल विल ईट, सीरियल विल ईट होम। यस, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, व्हिच इज गुड। ऐसा थोड़ी ना है यार, अच्छा बना, स्मेल तो आ रहा है वैसा, आपसे ज्यादा हल्दी है, थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा होता है कंसिस्टेंसी में, बट अच्छा पसंद नहीं है। सिंपी चलो हम निकल रहे हैं, डब्बा दे दे मेरा, हो गया। अच्छा दे दो, जल्दी आइए। मैं जा रही हूँ उसको ड्रॉप करने। अच्छा पापा को ड्रॉप करने जा रही हूँ, चलो कुछ कुछ पीते रहिएगा, नींबू पानी बहुत गर्मी है। ए कहाँ, तुम कहाँ जा रही है? ये देखो पापा को जा रही है ड्रॉप करने के लिए।
ऐसा बच्चा देखे है कहीं? हाँ बाय अन्या, नमस्ते। एक मिनट जी, हम भी अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठ गए और इधर आन्या भी खा रही है दही चूड़ा। गाइस तो फाइनली मैं नहा धोवा के आ गई और सही में इतना गर्मी है ना, नहाने के बाद भी पूरा पसीना निकल रहा है। एसी तो चल रहा है देखो हाई कूल पे, पर फिर भी पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फटाफट से खाना खाते हैं, भूख लग रहा है। अभी मेरा खाना ऑलरेडी निकल चुका है और आन्या देखो खा रही है। कैसा बना आन्या खाना? हाँ कैसा बना बताओ, कैसे बना है? देखो कैमरा में देख के ऐसे कर रही है और मेरे को देख के ऐसे कर रही है। कैसा बना है खाना आन्या? बहुत बदमाश है, बहुत लड़की एकदम। चलो मैं भी थोड़ा खाऊं, बहुत तेज भूख लगा है। गर्मी इतना है कि अगर दोपहर में रोटी खाने को ही बोल दे तो खा नहीं सकता है कोई भी। जिसको पसंद है वो खाएगा, मगर मुझे तो पसंद नहीं है। दाल टेस्टी बना है ना? थोड़ा नमक कम है क्या आन्या? ठीक है, नमक कम है। अच्छा आप लोग पप्पू दाल बनाई है, जो साउथ इंडिया से जो होंगे ना या फिर वहाँ रहे होंगे तो उनको पता होगा। बहुत पप्पू दाल बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाला ये सब उसमें मिक्स मैक्स हो जाता है ना, कैसे एकदम टेस्ट अच्छा लगता है। हाँ मिक्स मैच करके बोलो क्या बोल रहे हो? हम अभी दे रहे अभी कुछ सरप्राइज मम्मी को। मेरे को सरप्राइज दोगी क्या? देखो गाइज आन्या मेरे को सरप्राइज देगी। पूरा समर वेकेशन मेरा सर खा के रखी हुई है, इतना गर्मी हो रहा है ना यार। पता है गाइस हम सरप्राइज दे रहे मम्मी को क्या? शाम में उठेंगे नहीं हम, पता अभी सरप्राइज दे रहे कुछ। तो क्या है वो सरप्राइज बताओ तो, शाम में आपको दिखाएंगे गाइस। ठीक है क्या सरप्राइज आने दे रही बताओ तो। मैं नहीं तुम्हारे लिए, मैं अभी अभी तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है? चॉकलेट आपके लिए। क्या आपके लिए चॉकलेट सरप्राइज? किसको चॉकलेट खिलाओगी? आपको। हमको और गाइस लोग को नहीं खिलाओगी? नहीं मैं बस आपको खिलाऊंगी। ठीक है तो हम सारे गाइस लोग में चॉकलेट बांट देंगे। को लड़की को पूरा दोपहर एकदम बेडरूम में परेशान करके पूरा बिस्तर पे इधर उधर तूफान मचा रही क्या है? अरे मैं आपके लिए अभी सरप्राइज दे रही, जाओ मैं आपके लिए सरप्राइज ले। इसका पूरे दिन सरप्राइज रहता है, हर दिन एक स्टोरी बुक पढ़ लो आन्या, मम्मी उसमें भी एक सरप्राइज ढूंढ लेगी। मतलब कुछ ना कुछ पूरा दोपहर करना है इसको एकदम। समर वेकेशन क्या शुरू हुआ आन्या का तो एकदम। आप लोगों के घर में जो जो बच्चे होंगे ना वो क्या करते हैं बताइए मेरे को, इसकी शैतानी तो कम नहीं होती, कम परेशान करके रखी हुई है। मैं बोली आन्या थोड़ा सा बुक रीडिंग कर लो, क्योंकि समर वेकेशन हुआ है, पढ़ने के लिए थोड़ी ना मम्मी, मस्ती करने के लिए हुआ है ना। पढ़ना नहीं है एक्चुअली। मुझे थोड़ा सा खांसी भी हो गया, बहुत गर्मी है। चलो गाइस थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। ना ना मैं ब्लॉगिंग बनाई। ये देखो गाइस अभी आन्या का पूजा हो रहा है, गायत्री मंत्र पढ़ रही है। गाइज गुड इवनिंग, तो शाम हो चुका है और गर्मी तो कम होने वाला नहीं है। आन्या पर ऑन करिए पास जाना, मेरे को थोड़ा जुकाम जैसा हो गया है, ठीक ठीक लग रहा है सॉरी, पर क्या करे जाने का जिद कर रही है, पर बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, फेवरीज टाइप का लग रहा है। पर वो खुद को अपने आप को कैसे इंगेज रख रहे हैं वो देखो, मतलब वो शाम में पूजा देखती है मम्मी करती है, पूरा गायत्री मंत्र पता नहीं कहाँ से सीखी है वो, मुझे पता नहीं स्कूल से सीखी। कौन सिखाया गायत्री मंत्र आन्या? टीचर। बोर हो जाती हूँ पार्क में, बोर हो जाती है एक्चुअली, इसको खुद गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। पसीने टपकने लगते हैं ना तो पूरा ये परेशान हो जाती है एकदम, मम्मी घर चलो घर चलो।
इतना गर्मी सही में यार, मतलब मई में ये हाल है तो भी अरे भाई इतना गर्मी तो कभी नहीं होता था। नहीं ना, नहीं कभी नहीं होता था, ये आन्या का कहना है। अब कभी हो ही नहीं सकता बेटा कि गर्मी ना पड़े, साल का हर सदी ऐसा है जब ठंड पड़े गंदा मौसम में तो सबसे न्यूज देखो पहला न्यूज में यही आता है, ये सदी की सबसे पहली मतलब सबसे बड़ी गर्मी, इतना टेम्परेचर गया ठंड हो टेम्परेचर क्या होगा पता है। हाँ। मुझे लगा कि उतना गर्मी लगा है सब लोग, ऐसा आंधी आंधी कल आंधी आया था ना और धूल वूल आया था उसी में हम परेशान हो गए। फिर हम बोले कि मम्मी घर चलो घर चलो, तो हमने सुने क्योंकि थोड़ा खेला था, फिर हम घर चले गए, थोड़ा रुक गया हवा। देखो गाइस हमारा बोलने से पहले सारा बात यही बोल लेती है, मतलब इतना बोलेगी कि या तो आप लोग बोर हो जाओगे। सैंडविच कौन खाता है बेटा? मुझे पसंद है, पसंद है तो पसंद है। सैंडविच खाओगे? हाँ। अच्छा ये कौन निकाला, कौन तुम बेसन निकाली है? देखो मैडम कौन कौन सब निकाल दिए। नहीं 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 मैं नहीं, अरे वो पूरा छिटा जाएगा। धीरे धीरे स्लिप कर जाओगी। अभी थोड़ा मार्केट निकल रहे हैं, एक्चुअली थोड़ा अंधेरा हो गया, मतलब इतना गर्मी यार की दौड़ो ले आनिया, 6 बजे तो निकल ही नहीं सकते हो, तो अभी 7 कुछ बज रहा है इस तरह से। तो सौरभ भी ऑफिस से आ गए, मतलब उसी रूट में वो भी है, तो मुलाकात हो जाएगी हम दोनों का। और कुछ चावल वल लेना था मुझे घर के लिए, कुछ छुटपुट शॉपिंग करना था छोटा मोटा, तो चलो यार चलते हैं। घर पर बैठे बैठे हर चीज़ तो आ जाता है पर वो मतलब समझ में नहीं आता है। वो अभी यहाँ पास में सुपर मार्केट है, वहाँ जा रहे हैं। आन्या को देखो कैसे भाग रही है, गाड़ी आती है आन्या, चलो मैं रोड थोड़ा क्रॉस करूं, मतलब उसके बाद आपसे मिलती हूं। मसाला डाल के दे रहे हैं अंकल, रुक जाओ। अरे ज्यादा चाहिए मसाला, क्या चाहिए? मसाला डाल के बना रहे हैं, देखो मस्त। आज तो पूरा गोलगप्पा खत्म हो गया आपका, बचा ही नहीं। अच्छा लगा वाले में मीठी चटनी डाल देना। देखिए आन्या मुंह की मुंह दिखाओ, पूरा गोलगप्पा गोलगप्पा खा लिए, जीभ छिल गया, इतना बड़ा गोलगप्पा था ना मेरे मुंह के साइज से बड़ा था, पर सौरभ को बहुत अच्छा लगा, टेस्ट बहुत अच्छा था। कुछ भी खा लो जब तक गोलगप्पा ना खाओ, मजा आया ना? हाँ, मजा आया ना गोलगप्पा खा के। क्या बना रही है? सैंडविच। अच्छा ये बॉम्बे स्टाइल क्या? हाँ ये कॉर्न मसाला बना दें, मसाला लाओ बना देते हैं। ढूंढ रहे आप? सौंफ डाल रहे थे। सौंफ सैंडविच में? सौंफ और धनिया, धनिया और सौंफ। चाट ये बना रहे हैं क्या, क्या बोलते हैं चाट मसाला, मतलब कचौड़ी और ये सब बना रहे हैं क्या? ये देखिए गाइस सैंडविच में धनिया पड़ रहा है और सौंफ। एक दिन हम बर्गर किंग गए थे। अच्छा। और वहाँ पे उसका एक बर्गर का पैटी में हमको बड़ा प्रोमिनेंट सांप और धनिया का फ्लेवर हमको भी मिला है, दांत में फंसा था एक बार। और लेकिन उससे जो पैटी उसका टेस्ट है तो वही कितना मिक्स सॉफ्ट और मीठा है, आप भी डालिए। कौन बहुत मीठा लग रहा खाने में, मन कर ऐसे ही खा ले सारा। गाजर क्वांटिटी ठीक है तो मन नहीं हुआ रात में बहुत हल्का खाने का, एक्चुअली बाहर गए थे अभी तो आपको बताए ही, रिलायंस चावल वाल लेके आए, गोलगप्पा खा लिए, वहाँ पे सर्दी था एकदम पूरा झंझना गया दिमाग, और ये तीखा गोलगप्पा मस्त। तो अभी हम लोग सोचे कि हल्का फुल्का सैंडविच बना के खा ले, है कि नहीं? पेट भरेगा ना, गर्मी बहुत है इसलिए जो फास्ट खाना बन सके ना गाइज वही खाने में ठीक है। ये उल्टा सोफा पे कौन सा तरीका है तुम्हारा लटकने का, सही में यार क्या गर्मी, और ये तब आप सैंडविच बना रहे हैं कि मतलब क्या करने लगते हैं यार, आप तो गजब करते हैं। अब क्या हो गया यार, क्या किए हैं, ये क्या किए हैं आप, ये बताइए, इससे बढ़िया हम बना लेते हैं ना यार, तुम तो बना ही लेते। देखो ये क्या मतलब ऐसा किचन छींटे है ना, कोई बोलेगा कि खाना बना के पति देता है, क्या किए हैं, नीचे चीज गिरा दिए हैं, ऊपर चीज छींट दिए हैं, मतलब जैसे क्या करें, मतलब स्लैब का एक कोना से लेके पूरा कोना फैल जाता है ये खाना बनाते हैं तो, क्या तरीका है आपका, पिच 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 क्या करते रहते हैं यार, अरे यार हाँ कहेंगे स्वाद बहुत टेस्टी बनाए, स्वाद है स्वाद नहीं भाई, स्वाद हाँ स्वाद कुछ नहीं है,
ज्यादा बोलिए मत तो आप समझे। देखो इससे बढ़िया तो खुद बना लो यार, ये देखो क्या हाल किए हैं किचन का। खा के बताओ कैसा है। है बॉम्बे वाला हाँ, कैसा है अन्या? कहाँ पनीर का टेस्ट खराब आ रहा है? पनीर का नहीं, मसाला जो है उसका टेस्ट खाना वाना हो गया और खाना खा के अभी हम लोग बैठे हुए हैं। अभी खाओ फिर कल का सोचो, परसों का सोचो, यही रूटीन है रोज का, खाना सबसे पहले ज़रूरी है। चलो खाना खा के अभी नारियल पानी थोड़ा सा पी रहे हैं। सौरभ अपना ऑफिस का कुछ काम करने में लगे हुए हैं, रानिया देखो तकिया चला रही है। तो चलो दोस्त आज के ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे अंत और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। और मैं भी अभी साइलेंट गेम खेल रहे। ओके, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे अंत करते हैं और प्लीज़ अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे ब्लॉग में क्या अच्छा लग रहा है या क्या बुरा लग रहा है। तो इसी नोट पे इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। चलो दोस्त तो अभी के लिए ब्लॉग को करते हैं बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।